कई लोग इसी बात से कई बार धर्म नहीं कर पाते या सोचते हैं कि हम धर्म करने के लायक नहीं हैं, कि हमें कुछ आता नहीं है। क्या बोलते हैं? हमें कुछ आता नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं मोक्ष मार्ग की विशालता को, विशदता को, तो हमें कभी ऐसा लगता है कि जिनको कुछ नहीं आता है वही मोक्ष मार्ग के लायक होते हैं। क्या सुन रहे हो? कई बार कुछ आने पर आदमी भटक सकता है, लेकिन नहीं आने पर उसे ध्यान रहता है कि हमें ये कुछ आता नहीं। तो कुछ नहीं आता तो वो क्या आता है? कुछ उसको आता है जो उसको पता रहता नहीं। जब उसे लगता है कि हमें कुछ नहीं आता, हम कुछ नहीं कर सकते, और इनको इतना आता है, ये सब कुछ कर सकते हैं, तो उस व्यक्ति के अंदर एक चीज आ जाती है जिसको कहते हैं विनय। क्या बोलते हैं? हाँ, ये चीज तभी आती है जब हमें अपनी अंदर असमर्थता दिखे और अपने से आगे जाने वाले लोगों के पास में वो चीज दिखाई दे, तो फिर हमारे मन के अंदर एक भाव आ जाता है कि अब हम क्या कर सकते हैं। हमें कुछ नहीं आता, लेकिन हाथ जोड़ना तो आता है। कुछ नहीं आता कोई बात नहीं, जो कोई कुछ भी बता रहा है तो उसको स्वीकार करना तो आ जाता है। ऐसे भोले प्राणी भी अगर मिल जाते हैं तो आचार्य कहते हैं उनका भी कल्याण इस मोक्ष मार्ग के लिए हो जाता है। भोलापन होना बहुत जरूरी है। सुन रहे हो? वैसे तो आप सब भोले ही वाले हो, लेकिन उस भोलेपन के साथ में भीतर से ऐसा एक सीधा साधा सा भाव रहे कि हमें अगर ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें उसका एहसास बना रहे, और हम जिनके ज्ञान हैं उनकी हम केवल बस बात सुनते रहें और हाथ जोड़ करके मानते रहें, तो भी हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आचार्य कहते हैं कि ज्ञान और चारित्र, इनका भार ढोने की तुम्हें जरूरत नहीं है। क्या सुन रहे हो? इनके लिए तो आपको धारण करने के लिए कोई ज्यादा पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। आप तो बस एक काम करो। क्या करो? अपने अंदर इतनी सी बात स्वीकार कर लो कि मोक्ष होता है, मोक्ष का मार्ग होता है, और उस मार्ग पर चलने वाले लोग भी होते हैं। इतनी सी बात बस अपने हृदय में बैठा लो। क्या बैठा लो? मोक्ष होता है, मोक्ष का रास्ता होता है, और उस रास्ते पर चलने वाले लोग भी होते हैं। इतनी बात जब हृदय में बैठ जाएगी तो यहीं से हमारे अंदर एक सम्यक दर्शन का भाव बन जाता है। सम्यक दर्शन का भाव बन जाएगा तो ज्ञान थोड़ा भी होगा, ना के बराबर भी होगा, तो चल जाएगा। सम्यक दर्शन का भाव होगा, चारित्र थोड़ा भी होगा, ना के बराबर होगा, चल जाएगा। और अगर सम्यक दर्शन का भाव नहीं है, ज्ञान बहुत है, तप बहुत है, तो भी वह कुछ भी काम करने वाला नहीं। इतना सरल सीधा सा मार्ग है श्रायस पथ, कल्याण का रास्ता, कि उस मार्ग पर चलने के लिए हमें केवल बस भावों से भींगना है, और उस भावों के भींगने के लिए कोई भी बाहरी कृत्रिम वातावरण की कहीं कोई जरूरत नहीं है।
सुन रहे हो, आप लोगों का मन तब तक नहीं लगता जब तक कोई कृत्रिम वातावरण तैयार न हो। आप लोगों का मन तब तक नहीं लगता जब तक कि कोई बड़ा बड़ा एडवर्टाइज न हो, बड़े बड़े पांडाल न हो, सुन रहे हो, अच्छा खासा खाना पीना न मिले, तब तक आपका धर्म करने का भी भाव नहीं आता। आपसे मतलब, अब हर चीज़ को अपने ऊपर मत लेना। जो अभी यहाँ चर्चा सुन रहे थे ना, कुछ लोग मंदिर की पूजा में लगे रहते हैं, समझाओ तो आते नहीं है। आते तो हैं, वो तब आते हैं जब आप उनके लिए कोई बड़ा पांडाल लगाओ और बड़ा बड़ा खाने पीने का अच्छा इंतजाम करो, तब आते हैं वो। तो उन लोगों के लिए जो एक कृत्रिमता में उन्हें लगता है कि हाँ यहाँ पहुँच करके अब हमारे लिए धर्म होगा, तो वह उनकी एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है। धर्म करने के लिए आचार्य कहते हैं हमें कुछ भी नहीं आता, कोई बात नहीं, भगवान की पूजा भी अनिवार्य नहीं बताई। आचार्यों ने कहा है रास्ते पे चलने वाला अगर हमें कोई मिल जाए और उस गुरु का हम अनुसरण करने लगे, उस गुरु की पूजा कर लें, तो आचार्यों ने यहां तक लिखा है कि गुरु की पूजा ही आगम की पूजा है और आगम की पूजा ही भगवान जिनेंद्र देव की पूजा है। तदवाची जिन वाच पूजन मत साक्षात जिन्हें पूजते, ऐसा पद्मनंदी आचार्य ने लिखा है कि अगर हमने गुरु की पूजा कर ली तो समझ लो हमने साक्षात जिनेंद्र भगवान की पूजा कर ली। क्यों लिखा है ये? क्योंकि वहां पर हमें केवल गुरु में गुरु ही नहीं दिखते हैं, गुरु में हमें तीनों चीजें मिलती हैं। जिस रास्ते को भगवान ने बताया उस रास्ते को बताने का ज्ञान भी मिलता है, समझने का भाव भी आता है, स्वयं गुरु गुरु के रूप में भी दिखाई देता है और उनकी आस्था को देखकर, उनके रूप को देखकर, उनके उस दिगंबरत्व भेष को देखकर हम भगवान अरिहंत की भी इमेजिनेशन अपने अंदर ला सकते हैं। इसलिए गुरु में हमें तीनों चीजें दिखाई दे जाती हैं। यूं ही नहीं लिखा कि गुरु की पूजन से आपको तीनों की पूजन हो गई, ये यही भाव सोच करके आचार्यों ने लिखा। इतना सरल मार्ग है कि आपको कुछ नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन किसी चीज का आग्रह मत करो। मंदिर का भी आग्रह हो जाएगा, पूजा का भी आग्रह हो जाएगा, तो मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। फिर ही छोड़ो अपने आप को, और इस तरह से फ्री छोड़ो कि हमें जहां पर नया भाव हमारे अंदर पैदा हो, नई विशुद्धि हमारे अंदर पैदा हो, नया ज्ञान हमारे अंदर उत्पन्न हो, ऐसी जगह को हम चुनने की कोशिश करें। बस इतना फ्री छोड़ो अपने आप को, फिर देखो आपकी विशुद्धि, आपकी निर्जरा सब कुछ कैसी होती। जब तक आप अपने आप को फ्री नहीं छोड़ोगे, अपने मन को स्वतंत्र नहीं बनाओगे, तब तक आपके अंदर वह चीज जो कोई देना चाहता है वो समाहित नहीं हो पाती।